हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 7 के चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का नाम आप देख सकते हैं, न्यू किंगडम्स एंड टर्किश इन्वेंशन इन नॉर्थ इंडिया, यानी नई साम्राज्यों के बारे में पढ़ेंगे। और जो तुर्क के लोग थे, टर्किश लोग थे, उन्होंने भारत पर आक्रमण किया, नॉर्थ इंडिया, उत्तर भारत पर, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। वी विल लर्न द राष्ट्रकूट्स, राष्ट्रकूट वंश के बारे में पढ़ेंगे, द पालास, प्रतिहारस, राजपूत, फिर एडमिनिस्ट्रेशन इन नॉर्थ इंडिया, उत्तर भारत की शासन व्यवस्था कैसी थी उसके बारे में पढ़ेंगे, एजुकेशन, शिक्षा कैसी थी, आर्ट एंड आर्किटेक्चर, कला और भवन निर्माण कैसा था, ट्रेड, वो लोग व्यापार कैसे करते थे, और टर्किश इन्वेंशन इन नॉर्थ इंडिया, और टर्किश लोगों का आक्रमण भी पढ़ेंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं। द लास्ट ग्रेट रूलर ऑफ एंशियंट इंडिया वाज हर्ष, जो प्राचीन भारत के आखिरी महान शासक थे वो हर्षवर्धन थे। आफ्टर हिज डेथ द होल एम्पायर ब्रोक डाउन इंटू मेनी स्मॉल किंगडम्स ड्यू टू द माइजरेबल इकोनॉमिक कंडीशन एंड लैक ऑफ प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन बाई हिज वीक सक्सेसर्स। यानी कि उनकी मौत के बाद जो उनका एम्पायर था वो छोटे छोटे राज्यों में बट गया, क्योंकि माइजरेबल इकोनॉमिक कंडीशन, क्योंकि आर्थिक व्यवस्था काफ़ी दयनीय थी, आर्थिक स्थिति, और उनके जो सक्सेसर थे, जो उनके बाद वाले राजे हुए, वो वीक, कमज़ोर निकले। दिस वॉज अ पीरियड ऑफ पोलिटिकल इनस्टेबिलिटी इन नॉर्थ इंडिया, और वे यह समय था जब उत्तर भारत में राजनीतिक व्यवस्था उथल पुथल थी, अनस्टेबल थी। थ्री पावरफुल किंगडम अरोज बिटवीन 750 AD एंड 1000 AD आउट ऑफ द रूइंस ऑफ हर्षा एम्पायर, एंड हेंस द पीरियड इज ऑल्सो नोन एज द एज ऑफ थ्री एम्पायर। और तीन पावरफुल साम्राज्य का विकास हुआ 750 से लेकर 1000 ईस्वी के बीच में, हर्षा एम्पायर के बाद। इसीलिए इस पीरियड को एज ऑफ थ्री एम्पायर भी कहा जाता है, तीन साम्राज्य का युग। द पालास टूक ओवर द कंट्रोल इन ईस्टर्न इंडिया, जो पाल वंश थे वो भारत के पूर्वी भाग पर राज किए, जो कि बंगाल और बिहार में था। द प्रतिहारस इन अवंती, प्रतिहार वंश अवंती पे शासन किए, जो साउथर्न राजस्थान और गुजरात में है, और राष्ट्रकूट नॉर्थन पार्ट ऑफ डेक्कन के उत्तरी भाग पे शासन किए। द थ्री मेन किंगडम्स थॉ कंटिन्यूअसली इंगेज इन वॉर वी आर सक्सेसफुल इन प्रोवाइडिंग स्टेबल एडमिनिस्ट्रेशन विच हेल्प इन द प्रोग्रेस ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर। ये जो तीनों साम्राज्य थे, हालांकि ये लगातार युद्ध में इंगेज रहे, फिर भी इन्होंने एक स्थिर शासन की व्यवस्था की, जिससे कि कला और साहित्य का विकास होने में मदद मिली। ठीक है, पहले हम लोग राष्ट्रकूट के बारे में पढ़ेंगे। राष्ट्रकूट्स इस्टेब्लिश द मोस्ट पावरफुल एम्पायर इन नॉर्थन डेक्कन इन 753 AD। 753 ईस्वी में राष्ट्रकूट ने नॉर्थन डेक्कन पर अपना अधिकार जमाया। इन देयर प्राइमरी स्टेज दे वेयर द सबऑर्डिनेट ऑफ द चालुक्य ऑफ कर्नाटका, और अपने शुरुआती समय में ये कर्नाटक के जो साम्राज्य था चालुक्य का, उसके अधीन थे। ओके, ये पिक्चर देख लेते हैं, एलोरा की गुफा है, ये काफ़ी फेमस है भारत में, टूरिस्ट प्लेस है, जो कि जिसका निर्माण राष्ट्रकूटों ने करवाया था। दे बिकेम द मास्टर ऑफ अ लार्ज एरिया ऑफ द प्रेजेंट गुजरात, मध्य प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका, और वो इन राज्यों के भागों में अपना आधिपत्य जमाया, गुजरात, मध्य प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और कर्नाटक के। देयर एम्पायर एक्टेड एज अ ब्रिज बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ इंडिया, और उनका जो साम्राज्य था वो एक पुल का काम किया उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच। दंती दुर्गा इज कंसिडर्ड टू बी द रियल फाउंडर ऑफ राष्ट्रकूटा एम्पायर। देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रकूट एम्पायर का जो असली संस्थापक है वो माना जाता है दंती दुर्गा को। गोविंदा थर्ड अमोघ वर्ष वेयर द वेल नोन राष्ट्रकूट
किंग्स, और गोविंद थर्ड और अमोघवंश भी राष्ट्रकूट राजा है जिन्हें अच्छी तरह जाना जाता है। द राष्ट्रकूटा वेयर ग्रेट वॉरियर्स, जो राष्ट्रकूट थे वो काफ़ी अच्छे योद्धा थे, आर्ट लवर्स एंड स्कॉलर, विद्वान थे और कला प्रेमी थे। दे टूक अप टाइटल लाइक चक्रवर्ती, महाराजा धीराज एंड परम भट्टरक, इन्होंने ये सब टाइटल अपनाया था। दे मेंटेन ह्यूज आर्मी एंड इनकरेज ट्रेड फॉर प्रोस्पेरिटी ऑफ द पीपुल, उन्होंने अपनी बहुत बड़ी सेना बनाई थी और व्यापार को भी इनकरेज किया ताकि उनके लोगों को में समृद्धि हो सके। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं। राष्ट्रकूटा फॉलो जैनिज्म बट ऑल्सो लेड बुद्धिस्ट हिंदूज एंड मुस्लिम्स, राष्ट्रकूटा वैसे तो जैनिज्म को मानते थे लेकिन बुद्धिस्ट बौद्ध धर्म भी, हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म भी को भी रिस्पेक्ट करते थे। राष्ट्रकूट रूलर वेयर ग्रेट एडमायर ऑफ आर्ट एंड लर्निंग, और जो राष्ट्रकूट के शासक थे वो कला के काफ़ी प्रशंसक थे। देयर रूल सो द फ्लोरिशिंग ऑफ रीजनल लिटरेचर, और उनके शासन ने क्षेत्रीय साहित्य का विकास देखा। रोककट टेम्पल ऑफ एलोरा बिलोंगिंग टू हिंदू बुद्धिस्ट एंड जैन सेक्टर, जो हमने एलोरा की गुफाएं देखी वो हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म तीनों का मिश्रण है। आर प्रूफ ऑफ द रिलीजियस टॉलरेंस ऑफ राष्ट्रकूट, जो हमें बताता है कि राष्ट्रकूट थे वो सभी धर्मों को बराबर रिस्पेक्ट करते थे। किंग अमोघवंश हिमसेल्फ आज अ ग्रेट लवर ऑफ संस्कृत, और जो राष्ट्रकूट के किंग अमोघवंश थे वो भी संस्कृत के प्रेमी थे। ही रोट कवीरा का मार्ग, वन ऑफ द अर्लीस्ट वर्क इन कन्नड पोएट्री, और कन्नड भाषा में उन्होंने एक पोएट्री लिखी जिसका नाम था कवीरगा मार्ग। लर्निंग फैक्ट पढ़ते हैं। दंती दुर्गा परफॉर्म अ रिचुअल कॉल्ड हिरण्य गर्भा, और दंती दुर्गा जो राष्ट्रकूट शासक थे वो एक अनुष्ठान करते थे जिसका नाम था हिरण्य गर्भा। दिस रिचुअल वॉज थाउट टू लेड टू द रीबर्थ ऑफ द सेक्रीफायर सेक्रीफाइसर एज अ क्षत्रिय इवन इफ यू वॉज नॉट वन बाई बर्थ, और ये माना जाता था कि इस अनुष्ठान से पुनर्जन्म होगा क्षत्रिय में। ओके, बाई द एंड ऑफ 10th century, और 10वीं सदी के अंत में द चालुक क्रश द पावर ऑफ राष्ट्रकूट एंड टूक ओवर द कंट्रोल ऑफ देयर किंगडम, चालुक ने उनके साम्राज्य को ख़त्म कर दिया और उनके किंगडम पे अपना हक जमा लिया। ओके, कल हम लोग पाल वंश के बारे में पढ़ेंगे। ओके।